दोस्तों आज का जो वीडियो है ना उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस का जो नेटवर्क है ना उसको जो है रिफ्रेश कैसे करेंगे। मतलब कि आपका जो नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है ना, मतलब कि आपके सिग्नल बहुत कम आ रहे हैं, तो आप अपने सिग्नल को फुल कैसे करेंगे। जैसे कि आप किसी को कॉल करते हैं ना तो आपकी आवाज़ कट कट के जाती है, या फिर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे तो आपका इंटरनेट भी बहुत स्लो चलता है, लैग करता है। आप गेम खेलते हैं आपकी पिंग बहुत ज़्यादा हाई जाती है, ठीक है। जैसे आप पबजी खेल रही हैं या फिर फ्री फायर खेल रहे हैं तो आपकी पिंग जो हाई जा रही है वो आ गई हमारी गेमिंग को लेके, या फिर आप किसी को कॉल कर रहे हैं आपकी फ़ोन कट कट के जा रहा है, या फिर आप जो है लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, या फिर आप वीडियो देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं तो आपका इंटरनेट जो है स्लो चल रहा है। तो आज की प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। बस सिंपल से स्टेप्स हैं, कुछ हिडन फीचर्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, उसके बाद 101% आपकी जो नेटवर्क इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे करना है कैसे नहीं, सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आर के न्यूज़ टेक चैनल। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हम जाएंगे अपने मोबाइल की सेटिंग पे। तो हम सेटिंग पे यहाँ पे चलेंगे, जो लास्ट वाली सेटिंग है आपने ज़रूर देखनी है, वो अगर सेटिंग आप नहीं करेंगे तो आपको ये सब करने की कोई फ़ायदा नहीं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपने एक सेटिंग यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो हम जनरल मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन देखने को मिलता है, रीसेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो रीसेट वाले ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे। रीसेट वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पे रीसेट नेटवर्क सेटिंग। यहाँ पे आपने जैसे रीसेट ऑल सेटिंग ये नहीं करना है, रीसेट एक्सेसिबिलिटी सेटिंग ये नहीं करना है, आपने रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा वाईफाई मोबाइल डाटा ब्लूटूथ। तो नेटवर्क में आपका वाईफाई भी आता है, मोबाइल डाटा भी आता है और ब्लूटूथ भी आता है। तो आप यहाँ पे आप सिम चूज़ कर लेंगे, सिम कौन सी सिम में आप ये करना चाहते हैं, सिम 2 सिम 1, ठीक है। हम सिम 2 में करेंगे तो रीसेट सेटिंग, हमने रीसेट सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है दोस्तों, अगर आपके डिवाइस में सेटिंग नहीं है ये आपको मिल जाएगी, आपने रीसेट नेटवर्क सेटिंग सर्च करना है, ऊपर आपको ये सेटिंग मिल जाएगी। उसको यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वैसे यहाँ पे पैटर्न मांगेगा। चलिए हम पैटर्न डाल देते हैं अपने फ़ोन का। जैसे मैं पैटर्न डालूंगा उसका रीसेट कर दूंगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे रीसेट हो चुका है, नेटवर्क सेटिंग रीसेट, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप था, समझे। अभी आगे बहुत लंबा वीडियो है, हम आएंगे बैक। हमारा पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, कर लिया। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है हमारा, वो है हमारा अबाउट फोन में जाना है हमने। जैसे कि हमारा अबाउट फोन दिख रहा है, अबाउट फोन में जाएंगे, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन पे जाएंगे। कहाँ गया हमारा सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, फिर यहाँ पे जाएंगे बिल्ड नंबर पे। बिल्ड नंबर पे 7 बार यहाँ पे क्लिक करते हैं, 1 2 3 4 7। उसके बाद आएगा मांगेगा यहाँ पे पैटर्न, जो आपके फ़ोन का पैटर्न है वो डालेंगे, बैक करेंगे। चलिए हम बैक करते हैं। बैक करते ही अबाउट फोन से नीचे जाएंगे तो आपको डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। हम डेवलपर ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करेंगे। डेवलपर ऑप्शन में क्लिक करने का नीचे आपने स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक और सेटिंग देखने को मिल जाएगी। वो कौन सी आप देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैं नीचे को स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल करने के बाद जो है हमें सेटिंग यहाँ पे मिल चुकी है, वाईफाई स्कैन थ्रॉटली, जो कि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ऑन है। इससे क्या होगा, जैसे कि रिड्यूस बैटरी ड्रेन एंड इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस, मतलब कि आपकी बैटरी भी कम रिड्यूस होगी, ठीक है, और आपका जो नेटवर्क परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ये आपने ऑन कर लेना, अगर ऑफ है तो आपने इसको ऑन कर लेना है। ये हमारा सेकंड स्टेप था जो कि हमने फॉलो कर लिया। चलिए अब बैक आते हैं। बैक आने के बाद जो नेक्स्ट सेटिंग करनी है वो क्या, जैसे कि आप जाते हैं अपने कनेक्शन वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे कनेक्शन वाले ऑप्शन में चले गए। यहाँ पे जाने के बाद आपने जाना है हमारे मोबाइल नेटवर्क्स पे, मोबाइल नेटवर्क्स पे चले गए। जैसे कि यहाँ पे आता है आपका हमारा जो एक्सेस पॉइंट नेम पे जाना है। यहाँ पे जैसे कि आपका कई बार सिलेक्टेड नहीं रहता, या फिर सिलेक्ट रहता है लेकिन आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है, आपका जो APN है, चाहे जियो हो चाहे BSNL हो। जैसे कि मैंने BSNL सेलेक्ट करके रखा हुआ है, आप जियो BSNL एयरटेल जो भी होगा आपने सिलेक्ट करना है। फिर ऊपर आपने ऐड पे नहीं जाना है, आपने 3 डॉट पे यहाँ पे जाना है। 3 डॉट पे जाएंगे, फिर आपने रीसेट टू डिफॉल्ट यहाँ पे कर देना है, इसको रीसेट टू डिफॉल्ट, ठीक है। रीसेट टू डिफॉल्ट हमने कर लिया, फिर दोबारा से हम इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये ज़रूर करना है क्योंकि ये रिफ्रेश करना पड़ता है, अपडेट्स आती हैं, कोई क्या आता है, आपका नेटवर्क स्लो होता है। आपने इसको रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद अब जो लास्ट ट्रिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एक एप्लीकेशन, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वो है हमारी, जैसे कि मैंने 5G ओनली
5G ओनली के लिए एप्लीकेशन है, ये आपने डाउनलोड करनी है। इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, सेट 5G ओनली आपको ऑप्शन दे रहा है, आपने सेट 5G ओनली पे क्लिक करना है। जैसे मैं ऑप्शन में क्लिक करूँगा आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे नीचे तक, ठीक है। आपने क्या करना है, आप यहाँ पे आपने सिम सेलेक्ट करनी, सेलेक्ट फोन इंडेक्स मतलब सिम, तो आप सिम कौन सेलेक्ट करेंगे, फोन जीरो मतलब सिम वन है मेरी, फोन वन मतलब सिम टू है, तो मैं सिम टू यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। सिम टू मैंने सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद ठीक है यहाँ पे आता है नीचे, यहाँ पे प्रेफरेंस नेटवर्क, ठीक है सेट प्रीफर्ड नेटवर्क, ठीक है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो है सिलेक्ट करना है अगर आपका फ़ोन वाईफाई सपोर्ट करता है। मान लो अगर आपका फ़ोन जो है वाईफाई सपोर्ट करता है तो आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, आपने करना है नीचे स्क्रॉल करना है, आपने NR ओनली सिलेक्ट करना अगर 5G सपोर्ट करता है। अगर नहीं करता है तो आपने कौन सा करना है, आपने नीचे को स्क्रॉल करना है, फिर आपने WCDMA ओनली आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपने यहाँ पे SMSC कोड आपको शो नहीं हो रहा है ना, लेकिन ये कैसे शो होगा, आपने रिफ्रेश पे क्लिक करना है। जैसे रिफ्रेश पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे SMSC कोड रिफ्रेश होके आ जाएगा। उसके बाद हम इसे अपडेट कर देंगे, अपडेट कर दिया, फिर नीचे को स्क्रॉल करेंगे, ठीक है आपकी यहाँ पे सारी सेटिंग्स यहाँ पे हो चुकी है। और आप क्या करना है, आपने बिल्कुल बैक आ जाना है। बैक आने के बाद जो है आपने अपना डिवाइस यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट कैसे करते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने अपना डिवाइस यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना है। उसके बाद आप चेक करेंगे कि आपका डिवाइस का जो नेटवर्क है वो इम्प्रूव हो चुका है 101%। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपका जो बात करने आप बात करेंगे वो भी बिल्कुल HD में बात होगी, इंटरनेट चलाएंगे वो भी आप बढ़िया होगी, कुछ भी करेंगे ब्लूटूथ वाईफाई कुछ भी यूज़ करेंगे तो आपका नेटवर्क इंप्रूव हो जाएगा। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।